वहीं भरतपुर जिले में इकरन गांव स्थित नंदी गौशाला में नगर निगम के सहयोग से अनूठी सवामणी लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। नगर निगम आयुक्त ने यहां शिवरात्रि पर्व पर गौ सवामणी का कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गायों को हरा चारा खिलाते हुए देखे गए। इससे भूखे गौवंश का पेट भरा और उनका पोषण भी इनको मिला। सवामणी का कार्यक्रम होता है, उसी तरह का विचार आया कि क्यों ना जन सामान्य को साथ लेकर के, शहर के भामाशाह संस्थाएं परोपकारी लोगों को साथ लेकर के, हमारी जो गौशाला है वहाँ पर अपन गौवंश के लिए एक सवामणी का कार्यक्रम शुरू करें, और उसको हमने फिर गौ सवामणी के नाम से आज कार्यक्रम की शुरुआत करी है, और उसमें शहर के काफ़ी लोग आगे आए हैं। तो व्यवस्था एक अलग इशू है, लेकिन इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था एक अलग इशू है। चारे पानी की व्यवस्था भी यदि भी नगर निगम अपने स्तर से लगातार करा रही है, किंतु फिर भी मेरा एक मानना है कि यदि जनता उस चीज़ से जुड़ जाए तो व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं, और साथ साथ एक परोपकार की भावना से हम गायों को, पूरी गौवंश को, जहाँ लगभग 2000 की संख्या में है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, उनको हम हरे चारे की सब्जियों की व्यवस्था कर सकते हैं। नया पहल शुरू हुई है, हमारे सेठ लोग आए हुए हैं और इन्होंने गौ सभा मनी की है, जिसमें हरा चारा कुछ सब्जियाँ यहाँ गायों को डाली गई हैं, और यहाँ पर अव्यवस्थाएँ देखो नई नई शुरू हुई है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमने पूरी व्यवस्था करने के बाद ही चालू करनी चाहिए थी, पर शहर में बहुत सारी जो आवारा पशु थे उनकी समस्या होने लग गई, तो कलेक्टर साहब ने इसको जल्दी में मतलब आदेशित किया, तो शायद जनवरी के महीने में यहाँ से भरतपुर शहर से गायें लाना यहाँ शुरू हो गया था और यहाँ इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था।